बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फूड किचन में सेवैयाँ, दूध वाली सेवैयाँ, जैसे हमारे बच्चों ने हमारी वालदा बनाया करती थी उस तरीके से आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगी और नहायत क्विक किसका जो है ना तरीका है। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने लिए किशमिश, लिए छुहारे, मैंने लिए जो कि मस्ट हैं सर्दियों की जो सेवैयाँ बनती है, इसमें नारियल मैंने ले लिया है और बादाम ले लिए हैं। आपके पास जो कुछ अवेलेबल हो आप वही डाल दीजिएगा। ये सेवैयाँ हैं, ब्राउन है, मेरे ब्राउन सेवैयाँ मेरे पास हैं, रोस्टेड सेवैयाँ जो बाज़ार से मिलती हैं। ये मैंने लिए तकरीबन पौनी प्याली और ये छोटा मैंने हाफ कप तकरीबन लिया चीनी का, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा। चार मगज मैं इसके अंदर डालूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त ये हेल्पफुल है इस ठंडे से मौसम में, और इसका बहुत ज़्यादा यानी कि फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा बन के आएगा इसका इंशाल्लाह ताला। तो चले जी मिल्क की तरफ आ जाते हैं। मिल्क हमारे पास 1.5 किलो है, उतनी सेवैयों के लिए जितनी मैंने वहाँ पे रखी हैं। पहले सबसे इसको मैं पकाऊंगी छुहारों के साथ 10 मिनट तकरीबन। छुहारों का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसमें इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आने लगेगी, कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। तो मिल्क मैंने रख दिया यहाँ पर, 1.5 किलो मैंने दूध लिया है तकरीबन, 1.5 लीटर यानी कि, सॉरी किलो किलो बोले जा रही हूँ मैं। तो इसको चले जी बॉइल्ड आने देंगे इस तरह ही हिला हिला के। बस आपने कुछ भी नहीं करना, पास खड़े होना और जैसे उसको हिला हिला के उबाल लेना। देखें बॉइल्ड आ चुका है, अच्छी तरीके से दूध उबल रहा है। नॉर्मल से आँच कर दी है मैंने ताकि दूध बाहर ना गिरे। सबसे पहले मैंने छुहारे डाले थे, अब मैं डालूँगी इसमें चार मगज़ मैंने 1 चम्मच लिया है तकरीबन भर के, और उसे वॉश कर लिया था और ड्रेन कर लिया था छन्नी में डाल के। इसमें डस्ट होता है, इसे किशमिश को और जो चीज़ें पैकिंग में नहीं आती हैं उनको वॉश कर लिया करें। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें जनाब, ये आपकी तवज्जो के हम बहुत तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें अच्छा सा कमेंट करे, प्यारा सा कमेंट करे, तो हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं। अगर आपको कुछ भी मुझे अच्छा लगे ना कि मैंने कुछ भी आपको अच्छी बात बताई है, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। चले हम चीनी डाल देंगे यहाँ पे, पकते हुए हो गए 10 मिनट तकरीबन। तो शुगर मैंने लिया तकरीबन हाफ कप, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आप तेज़ चीनी लेते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, और अगर आप कम लेते हैं तो कम डाल लीजिएगा। इसमें कोई कंडेंस मिल्क नहीं जाएगा, कोई हैवी खोया वोया ये वो कुछ भी नहीं जाएगा, सिंपल तरीके से हम इसको पकाएंगे। सब्ज़ी इलायची मैंने डाल दी है खोल के, 4-5 मैंने सब्ज़ी इलायचियाँ ली थी जिसको मैंने ओपन कर दिया था उसका। अगर इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसका वो भी डाल सकते हैं, इलायची का एसेंस, अगर जो आपके पास अवेलेबल हो डाल लीजिएगा। खुशबू के लिए, बेहतरीन खुशबू के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं होती है कि यही डालनी है। सेवैयों को मैंने बिल्कुल रोस्ट नहीं किया, या मैंने ऑयल का ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं किया, ये आप देखेंगे ओनली मिल्क में पकेगा ये सारा कुछ, और बहुत ही बेहतरीन सा पककर तैयार होगा। सेवैयाँ डाल देंगे और इसको गलने तक हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 6-7 मिनट ये ले लेती हैं गलने में, क्योंकि ये मोटी होती हैं और रोस्टेड हुई होती हैं। आप देखेंगे कि इसको जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो इस पर कुछ इस तरह से आया फील होगा जैसे कि सिलिकॉन होता है, बिल्कुल ही खुरदरी खुरदरी ये नहीं होती हैं। पास्ता सेवैयाँ मेरी, आपके पास जो अवेलेबल हो लीजिएगा, हर सेवैयों पर ये रेसिपी बन जाएगी। मेरे पास ये मौजूद थी, मैंने ये डाल दी। इसको पका लेंगे अच्छे तरीके से। रब्बुल आलमीन की नेमतों का जिक्र करते रहा करें, रब्बुल आलमीन का शुक्र करते रहा करें और तस्बीह पढ़ते रहा करें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अलअज़ीम, अल्लाह मुझे और आपको सबको तौफीक दे। चलें जी ये देखें सेवैयाँ हम दबा के देखेंगे, ये देखें गल गई है सेवैयाँ हमारी। इसका थोड़ा सा अब दूध इसके अंदर ही हम इसको थोड़ा सा खुश कर लेंगे 10 मिनट तक, और ज़्यादा खुश नहीं करेंगे इसलिए कि सेवैयाँ जो जब ठंडे होने की तरफ आती हैं ना, कुछ लोग इसे गर्म खाना पसंद करते हैं, कुछ ठंडा खाना पसंद करते हैं। तो जो गर्म खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ठंडा खाना पसंद करते हैं फिर उनके साथ ये होता है कि बहुत थिक हो जाती हैं और ऊपर से मिल्क और दोबारा आपको ऐड करना पड़ता है। अक्सर बच्चे मुंह बना के कहते हैं ये क्या मामा इतनी मोटी और थिक सेवैयाँ, तो फिर आपको डालना पड़ेगा मिल्क ऊपर से। तो इस पॉइंट पर आप इसको थोड़ा सा पतला ही रखिएगा। अगर बच्चे आपके ठंडी पसंद करते हैं तो फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। सेवैयाँ बिल्कुल गल गई हैं, देखें 2 मिनट मैंने उनको और गला लिया था ताकि उसकी जो थोड़ी सी कसर थी वो भी निकल जाए। अब सिर्फ हम इसको गाढ़ा करने का इंतज़ार कर रहे हैं जी, अब हम इसे सिर्फ गाढ़ा करने का इंतज़ार करेंगे और फिर चलेंगे फाइनल लुक की तरफ।
तो इसको थोड़ा सा पक लेने देते हैं। छुआरे डालने से इसका बहुत ज़बरदस्त ये कलर आ जाता है। छुआरे सस्ते से होते हैं, आपको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पाकिस्तान में अच्छे से छुआरे अवेलेबल होते हैं, कोई इतनी कॉस्टली चीज़ नहीं है। अच्छा, आप इस पॉइंट पे इसको यहाँ पे मिल्क भी बना सकते हैं, सर्दियों के लिए अपने घर में मिल्क तैयार करें, जो कि बाजार से आप बहुत ही महंगा लेते हैं। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। छुआरों वाला मिल्क जो बाज़ार से आप लेके बेचते हैं, कस्तूरी दूध के नाम से वो जाना जाता है कराची में, आई डोंट नो को यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है लाहौर में, तो आपको पता होगा, अगर आप लाहौरी हैं तो ज़रूर पता होगा उसे क्या कहते हैं जनाब। तो इंशाल्लाह वो भी मुझे बनाना आता है, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी शेयर करूँगी रेसिपी, मैंने ऑथेंटिक रेसिपी ही मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ और कोई बेकार रेसिपी नहीं डालती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। तो ये देखें जी, अब ये फाइनल लुक की तरफ आ गई है माशाल्लाह से। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सजा लेती हूँ, आप अपने हिसाब से सजा लीजिएगा जैसे कि आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे। ये देखिए, मैंने कुछ कोकोनट इसी तरीके से डाल लिए थे एज इट इज़। आपको अगर अच्छा लगे तो आप कोकोनट का बुरादा भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह कितनी गुड लुकिंग डिज़र्ट तैयार हो चुकी है हमारी। चलिए जी, इसी के साथ शाइस्ता इजाज़ को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।